Hello learners, my name is Akshay Arora and I welcome you to this beautiful session in which we will be having a talk with a topper, a star from the Sri Chaitanya. His name is Anirudh and he is expecting a score of 285 in the JEE mains of the session 2. So first of all, I would like to welcome him in front of you. Hi Anirudh, how are you? I'm fine, sir. Okay, say hi to the students also. Yeah, hi everyone, I'm Anirudh. And Anirudh, my very first question is, you got 260 marks in the session 1 and 285 marks in the session 2. So, ye jo jump hume mila 25 marks ka, ye hume kaise mila? What is the strategy to have this jump? Pehle to JEE mains ka jab first score 260 pata chala, mujhe 260 is not bad score, but usse kafi better kar sakta tha. Aur main karan tha ki shayad exam mein thoda panic ho gaya main aur सिली मिस्टेक ज़्यादा किए, कैलकुलेशन मिस्टेक किए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन गलत करके आया मैं. ओके. तो घर आके एक दिन तो मैं बहुत मतलब थोड़ा डिप्रेस टाइप हो गया, लेकिन फिर आई वाज श्योर कि डिप्रेशन से कुछ होने वाला नहीं है. आई गैदर माई सेल्फ अप एंड आई न्यू कि थोड़ा मैं और लगन से प्रैक्टिस करूँगा तो ज़रूर होगा. मैंने 2023 सेशन 1 के सारे पेपर्स लगाए और बैठ के प्रैक्टिस किया. सिली मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो शायद जाता ही नहीं, लेकिन आई प्रैक्टिस मैनी पेपर्स, आई प्रैक्टिस ऑल द 2023 सेशन 1 पेपर्स एंड आफ्टर दैट फाइनली माई फाइनल परफॉर्मेंस. दैट मीन्स यू ओवरकम द फियर दैट यू हैव इन द सेशन. एग्जैक्टली. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे कहते हैं मुझे फियर है, पेपर का फोबिया है, और कुछ बच्चे कहते हैं मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. एक बहुत ही थिन लाइन है दोनों के बीच में कि हमारे कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम एटलीस्ट डेप्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस डेप्थ तक वो क्वेश्चन की डिमांड होती है और हम गलती कर जाते हैं. तो मतलब ये कॉन्फिडेंस कम होना भी नॉलेज कम होना है या फिर ये दैट इज एंटायरली डिफरेंट? कॉन्फिडेंस कम होना एंड नॉलेज कम होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. कॉन्फिडेंस मतलब अगर जैसे मान लो किसी को नॉलेज बहुत अच्छी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है या नहीं आता तब भी? नहीं, मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है, बहुत नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी. कॉन्फिडेंस नॉलेज तो इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू स्टडी, नॉलेज अपने आप आ जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट टू विद टाइम बेस्ड एंड वो एग्जाम का एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना होता है व्हाइल प्रैक्टिसिंग. वेरी गुड सजेशन. दैट मींस वी नीड टू एक्चुअली अटेम्प्ट मोर एंड मोर टेस्ट. यस. और टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से ही हमें सक्सेस मिलेगी जेई मेन्स के अंदर एज वेल एज जेई एडवांस. सो ये 25 मार्क्स का जो आपको जंप मिला, ये तो आपने अपने फियर को ओवरकम किया, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, ऑटोमेटिकली आपको ये स्कोर अच्छा मिल गया. तो ये जो आपने लैग किया, आपकी सिली मिस्टेक्स हुई, ये पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहाँ पे? मेरे पर्टिकुलरली फिजिक्स में हुए थे थोड़े एंड मैथ्स में भी दो हुए, लेकिन वो जैसे कि 1+2=2 लिख देना, वो टेंशन में पता ही नहीं चलता कि एक स्टूडेंट कैसे मिस्टेक्स कर लेता है. ऑल राइट. सो दैट इज लाइक रियली अ ग्रेट सजेशन कि जब भी हमें टेंशन होती है तो हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की, जो भी हमारा माइंड लेवल उस टाइम होता है, जिस ट्रॉमा में होते हैं हम, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं जो बाद में हमें रियलाइज होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो ये जो एनवायरनमेंट है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. और सेम एनवायरनमेंट जैसे 9 to 12 का मॉर्निंग सेशन है, वही 9 to 12 का मॉर्निंग सेशन स्टूडेंट्स इफ यू विल बी क्रिएटिंग एट योर होम एंड द सेम सिंसियरिटी, द सेम द टाइम 9 to 12, यही टाइम के बीच में आप रोज मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, रोज तो नहीं बोलूंगा लेकिन हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ओवरकम द फियर ऑफ द एग्जामिनेशन. सो दैट इज अ रियली गुड सजेशन गिवन बाय our topper of Sri Chaitanya, Anirudh. And my second question is, like, how are you planning for your JEE Advanced preparation now? For JEE Advanced, majorly, it requires in-depth knowledge. Or my personally, I'm quite poor in physics. Lekin physics ko aur achhe se grasp karne ke liye, I'm going through my concepts. I'm getting them stronger. And especially, physics ka confidence kam hai, toh exam mein bahut reflect hota hai. Lekin उसी में आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन माय वीकर एरियाज एंड ट्राइंग टू गेट दैट अप. ऑल राइट. सो मतलब फिजिक्स आपको लगा है, आपने रियलाइज किया कि ये यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो सकती है, तो आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री, लाइक व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू ऑप्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैथ्स एंड केमिस्ट्री? मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. एंड मैथ्स के लिए ऑफकोर्स यू विल हैव टू प्रैक्टिस मेनी एंड मेनी प्रॉब्लम्स एवरी डे, एटलीस्ट 30 पर डे शुड बिकम अ कंपल्शन. Okay. Especially if maths is weak. Okay. And
फॉर केमिस्ट्री आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स लाइक इंक्लूडिंग मी वी फेस प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक के लिए अगर जब मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक बुक खोल के बैठता हूँ तो एकदम ही नींद आ जाता है. लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट रीडिंग इनऑर्गेनिक यू राइट डाउन एस्पेशली द पॉइंट्स विच यू फील दैट यू आर गोइंग टू फॉरगेट वेरी इजीली. यस, तो ये नींद को कैसे ओवरकम करें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आपने कि इनऑर्गेनिक में सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है. रीडिंग जो है, जब भी हम कॉन्सेप्ट्स को रीड करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें क्राम नहीं होती चीज़ें. और जो भी साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं जनरली उनका एप्लीकेशन बेस्ड माइंड होता है. जब तक वो सॉल्व नहीं करते हैं, जब तक वो प्रूफ नहीं देखते हैं किसी चीज़ का, तब तक उनको रिमेंबर नहीं किया जाता. अब डायरेक्टली अगर किसी कॉन्सेप्ट को रटने को कह दिया जाए तो फिर साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये कैसे ओवरकम होता है, मतलब कैसे पढ़ा जाए इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस? इनऑर्गेनिक को पढ़ना स्टार्ट करते ही काफ़ी सारे लोग को नींद आता होगा. दो तीन दिन लगातार व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आल्सो फॉर 2-3 डेज. इट टेक्स इजीली फॉर थिंग्स टू स्टार्ट सिंकिंग इन. लेकिन वो 2-3 दिन के बाद अपने आप वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मुझे पहले दिन का भी जो पढ़ा वो भी याद है, दूसरे दिन का भी याद है. और तब से लेके इनऑर्गेनिक का कॉन्फिडेंस जब एक बार बढ़ जाता है तो अपने आप पूरा याद हो जाता है. रिमेम्बरिंग द थिंग्स व्हाइल राइटिंग इट एज वेल एज बिल्डिंग अ हैबिट और अ रूटीन टू एक्चुअली गिव योर टाइम और स्पेंड योर टाइम मैक्सिमम टाइम इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल फीडबैक. एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू आस्क रिलेटेड टू द रूटीन. लाइक सिंस यू आर लिविंग विद द फैमिली, देर आर मेनी फैमिली कोर्स ऑल्सो. सम वन केम टू योर हाउस एंड सम डे देर आर लाइक यू वॉन्ट टू गो टू अदर हाउस ओके for other parties or anything, family wedding function or anything, any function. So like, is it compulsion by your parents that to move along with them for attending the ceremony? Or it's up, like it's totally up to you. You are deciding that. Well, once the exam started coming close, all that my parents too supported me very well. Okay. They did not like allow me to come to join them for their functions or whatever. Okay. And शायद एग्ज़ाम मतलब भी बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, स्पेशली एटलीस्ट द लास्ट 6 मंथ्स बिफोर द एग्ज़ाम. एकदम ही वो सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए एंड एक सीरियसनेस का एटमॉस्फेयर मेंटेन करेंगे करोगे तो वो फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप रिफ्लेक्ट होता है. ओके, और मैं तो इस स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा ये एग्ज़ाम में नहीं बल्कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन भी ये सीरियसनेस की ज़रूरत है. Exactly. लेकिन अगर जैसे मान लो किसी को ब्रेक लेना है मंथ में 1 या 2, तो आपके हिसाब से मतलब इज इट अ वैलिड ब्रेक? और हाँ, मंथ के लिए 1 या 2 ब्रेक तो बनते ही हैं मंथ के लिए. लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि पूरे ही लाइक यू नो बुक से दूर और वो सब. ब्रेक का मतलब कम पढ़ो एंड थोड़ा रेस्ट ज़्यादा लो. ऐसे करके सोशल मीडिया वो सब पे जाना एकदम ही दैट टेक यू ऑफ ट्रैक. ब्रेक शुड मीन लाइक रिलैक्स, टेक रेस्ट एंड रादर स्टे एट होम एंड मेबी यू कैन स्टडी जस्ट फॉर 2 आवर्स दैट डे. ऑलराइट. So like I also want you to share the hobbies, your hobbies with the students. Like a topper can also have a hobby, and I have heard that you're a singer. Yes. So which type of the singing you do? I have been classically trained in I've been trained in Carnatic classical music for last 10 years from a very young age. All right. And, that's great. And I have continued my hobbies till even 11th class, till quite time of 11th class, but after that, as I said, like when the exams come near, it's always better to stick with your books. Okay. I think that much of sacrifice is a must. All right. So in your daily routine, like how much time do you spend in your hobby? Half an hour at night, I spend singing and I enjoy singing. It relaxes me. As I said, break also should mean taking rest and maybe you can take an interest in your hobbies. Yes, also. Break is also a part of the time management. And yes, that is a really good feedback or the suggestion that is being given by the topper. And my last question is like, what are the source of learning for the JEE Advanced? Like which book, which study material will you refer for your JEE Advanced preparation? It majorly depends upon which subject is your weak point. Like personally for me, physics is weak. So I gathered many reference books from like a bookstore. Like I follow Physics Galaxy, I follow the school material, many like whichever subject is weak, उस पर तुम्हें ज़्यादा focus करना है, ज़्यादा examples देखने हैं ताकि you become more familiar with the subject. तो analyze the weak area is very important. कि सबसे पहले अपने weak area को analyze करो और फिर उसके ऊपर काम भी करना start करो. ये weak area भी
क्या आपको लगता है टीचर्स को पता होता है स्टूडेंट का वीक एरिया कौन सा है? या फिर स्टूडेंट खुद सबसे ज्यादा क्लियर होता है कि मेरा वीक एरिया ये है? नहीं, टीचर्स को भी पता है क्योंकि वो मार्क्स इसमें तो दिख ही जाता है, लेकिन वो लोग मुझे लाइक यू नो जो वीक सब्जेक्ट है दे अलाउ मी टू लाइक यू नो स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट, बट दिन में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए एक ही टाइम देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन दो यू हैव अ वीक सब्जेक्ट, बट यू हैव टू टेक आउट टाइम, यू हैव टू manage half an hour, 1 hour here and there, okay. and get your confidence up in your week subject. So, like how much time is it mandatory to crack the JEE with a beautiful score that you have 285? On a daily basis, how much time do I need to spend on the self-study hours? I think 12 hours is a must. Okay. 10 so, to 12 hours is a so must. So, according to the our star, Anirudh, so 12 hours is the minimum time that we should spend on our self-study. And we can equally distribute them 4 hours of physics, 4 hours of chemistry and 4 hours of mathematics. So this was all about the session with Anirudh, the talk with the talker, like talk with the toppers, Anirudh from Sri Chaitanya, and he's expecting 285 marks in the JEE Mains session 2. And I wish you luck for your JEE Advance. Thank you. And how much rank you are expecting for this JEE Advance? For JEE Advanced, I expect below 200 rank. If it's below 100, then I will be like more happy. All right. So his expectation is under 200, and definitely he'll be able to crack this under 200 rank. And we, as a team of Infinity Learn and Sri Chaitanya, also wish you luck for achieving this score. And we wish that many of the toppers of like all over India for the JEE Advanced and JEE Mains are produced by our own organization, Sri Chaitanya and Infinity Learn. And thank you so much, Anirudh, for the time and the suggestions that you have shared with our students. Thank you once again. Thank you.